के थाने में हम मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर जो है शिकायत करने के लिए आए और इनके लगभग 6 साल हो गए, 6 साल से अभी तक इनका पैसा वापस नहीं आया। इन्होंने पैसा जमा कर चुके हैं और यहाँ पर जमा कर रहे हैं, यात्री मौजूद है। किस किस का पैसा जमा है? कितने पैसे जमा है? इसको करा थे पैसा जमा आपने? जय दिनेश जी को। दिनेश का कौन सी कंपनी थी? ना भारतीय शाखा सोसाइटी भोपाल बासदा में इसका ब्रांच है। कितने साल हो गए सर? 2017 से 2017 चालू हुए फ्रॉन्च ब्रांच में। तो जब से अभी तक कुछ पैसा वापस आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। क्या क्या पैसे लिए थे आपने? ब्याज के तौर पे 7-8% ब्याज मिलेगा आपको, डेली कलेक्शन आएगा। तो आपको डेली कलेक्शन आपने करा इनको? बिल्कुल करा। तो आपको क्या ब्याज मिला? कुछ पैसे मिले नहीं? मिले पैसे नहीं मिले, नहीं मिले ना ब्याज मिला ना सर मिला। आपने कितने पैसे? तो क्या नाम है आपका? किसको जमा करा थे आप? कौन सी कंपनी से? कितना टाइम हो गया? लगभग साल भर हो गई मुझे, साल भर तो मुझसे कहा था इन्होंने। तो अब क्या चाहते हैं आप? पैसा लेना चाहते हैं? पैसा दे नहीं गए। पैसा अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो मारपीट करेंगे हम। मारपीट करोगे? मारपीट के अलावा कोई हल नहीं है? कानून नहीं है? कार जब्त करेंगे। कानून से अगर नहीं होगा तो हम मारपीट करेंगे। आप पर केस दर्ज आ गया, मारपीट करोगे तो हम सब निपटा लेंगे। क्योंकि जब इन पे भी तो केस दर्ज हो, क्योंकि ये नहीं देंगे अगर कानून के हिसाब से नहीं मिलेंगे, कार ले जाएंगे हम इनकी। और क्या और आप बता? हाँ सर, मेरा 1.5 लाख रुपए है। आज ये दूसरी साल चल रही है, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा, घुमा फिरा रहा है। आज जो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ उसमें से दे दूंगा ऐसा वैसा, और फ्रॉड चेक दे देते हैं बना के, बैंक वाले मुझे भगा देते हैं, साइन गलत है, कहीं नाम गलत है। और इसके बाद चेक दिया तो बाउंस भी हो गए, इसके बाद कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, और सामने वाले नहीं कर रहा है सेपरेट के, हम नहीं दबाए और पैसा ये। संतोष कुशवाहा जी मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, जिस कंपनी पे फ्रॉड का सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 6 साल हो गई अभी तक पैसा वापस नहीं करा गया। और गंज बाजवा में इनकी अच्छी पहुँच है, भारतीय जनता पार्टी से ये उपाध्यक्ष भी हैं। अभी हम इनसे मालूम करना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग आरोप लगा रहा है, ये सच है क्या? ये आरोप लगा रहा है कि हमारा पैसा वापस दे रहा है, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है, इनका पैसा अपन को देना है। श्रवण के अंदर 8 से 10 लाख रुपए की निचोटी रुकी हुई है, लोन की रिकवरी ना होने के कारण सब लोगों का पैसा रुका है। हम सब का लोन सिर्फ 1 लाख है श्रवण का, लोन का कोई लोन नहीं है। 8 से 10 लाख रुपए की जो रिकवरी रुकी है वो कहाँ की है? सोन की है या अन्य जगह की? अन्य जगह चारों तरफ की है, चारों तरफ का करीब करीब 40 लाख का रिकवरी रुका होगा। तो लगभग सोन में कितना होगा रिकवरी? सिरोंज में होगा 1-1.5 लाख के आसपास। अच्छा, इन लोगों का कहना यह है कि हमें 12-15 लाख रुपए लेना है और 1 लाख रुपए का रिकवरी है। हम लोग कैसे भुगते हैं? हमने जब इनसे पैसे दिए थे तो इस बार इन्होंने कहा था कि रोज आपका हिसाब किताब बराबर रहेगा और इसका ब्याज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला हमें। इसमें क्या है, सोसाइटी को कंटिन्यू चलाते रहते तो इनकी सारी की मैच्योरिटी है। सोसाइटी को हम सब लोगों का पेमेंट देकर बंद कर रहे हैं, सब जगह की ब्रांचों से धीरे धीरे पेमेंट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको क्लोजिंग कर रहे हैं। आज हमें 18 महीने हो चुके हैं, धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे पेमेंट करके ब्रांच बंद करते जा रहे हैं। 2 साल के बाद तक सब पूरी ब्रांच कर देंगे, सबका पेमेंट दे देंगे, सारे लोगों खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये भी कर रहे हैं ये रिकवरी कर रहा है लेकिन पेमेंट लेते जा रहा है, पेमेंट लेना बंद नहीं कर रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी बंद हुआ 8-15 दिन बन बाई बन एक एक ब्रांच हमने 17-18 सर्विस सेंटर खोले थे, उनको एक बाई बन बाई बन हम उनका पेमेंट करते, बन बाई बन उनको ब्रांच को बंद करते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारा कर देंगे, सबसे लाशरामगंज वादा का उठा के वहाँ तक करके खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर साफ कहना है कुछ बाजी का कि जो पेमेंट है हम सबको पेमेंट देंगे, अभी लगभग 1 लाख रुपए समझ लेना है, लेकिन 13-12-15 लाख रुपए 13-10 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन 1 लाख रुपए श्रोन से इन्हें रिकवर करना है। तो अब लोग 1 लाख श्रोन के जो कस्टमरों का साफ कहना है कि 1 लाख रुपए हम छोड़ देंगे, हमारे 9 लाख रुपए हमें मिल जाए, जिससे कि हम लोग हमारा जो पालन पोषण है वो कर सकें, हम लोग वो परेशान हैं। तो कल को मारपीट पे उतर आए हम तो हमारे ऊपर भी केस बनेंगे, या फिर हम आवेदन दे के इन पर जाँच करा के इन पर केस लगवाएंगे। अब देखना यह आगे कि इसका हल कैसे निकलेगा।
कुमार वकील साहब शहर में काफी चर्चित रहते हैं। आज फिर इनके पास एक केस आया है, केस है एक सोसाइटी के ऊपर आरोप लगने का, लगभग 10 लाख रुपए सोसाइटी ने यहाँ पर एक समूह बनाया, उसमें ग्राहक जोड़े और इन लोगों के खाली आरोप लगा रहे हैं सोसाइटी के मेंबर, और सबसे बड़ा आरोप ये है कि पैसे वापस नहीं कर रहे। अब राजकुमार वकील साहब इनके हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछे जाएंगे क्या रहेगा मामला। देखो ये नवाट सहकार साग सहकारी समिति है जो यहाँ के सिरोंज के 56 लोगों का पेमेंट इनसे लेना है, और लगभग 2017 का ये मामला है। तो इस समिति ने क्या करा था कि यहाँ कुछ लोगों को अपना एजेंट बना दिया था, और एजेंट बनाकर जिस तरीके से सहारा बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते खोलते हैं उस टाइप के इनके कोई खाते तो खोले नहीं गए थे, लेकिन इस सहकारी समिति ने अपने एजेंटों को भेज भेज कर डायरी पर हस्ताक्षर करा कर उन लोगों से पैसे ले लिए। किसी का 50 रुपये रोज का खाता खोला, किसी का 100 रुपये। हम लोगों के यहाँ के सिरोंज के लोगों को हमेशा इस तरीके से ढका जाता है। सहकारी समिति के जो सोसाइटी के जो श्रीमान जी हैं इनको आज थाने में बुलवाया गया। इन्होंने एक जो है हमारे सेन साहब को, रामबाबू सेन साहब को एक चेक दिया था जिसका चेक बाउंस हुआ, हमने विधिवत नोटिस दिया, उसका जवाब आज तक नहीं दिया इन्होंने। तो हम पुलिस से ये मांग करना चाह रहे हैं थाना सिरोंज थाना प्रभारी महोदय से कि हमारे सिरोंज के जो 56-57 लोग 100 लोगों के साथ जिसने ठगी की है तो इस पर एक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से सुब्रत राय जेल में है, ऐसे ही जिन नव सहकारी समिति के सुब्रत राय को गरीबों का पैसा कैसे खाते हैं और कैसे हजम करते हैं, इन्होंने ये कहा था कि आप हमारा पैसा दो, हम आपको इस तरीके से पैसा वापस करेंगे, हमें इंटरेस्ट दिखाया गया। यहाँ इनने 4 लोग जो है यहाँ पर दिनेश विश्वकर्मा जी जो थे इसके समिति के संचालक है, सौरभ जैन जे, और इस तरीके से यहाँ 4-5 लोगों को यहाँ इन्होंने एजेंट बनाया, और प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाकर इनने पैसा इकट्ठा करा। और जो है विश्वकर्मा जी, आप जैसा देख रहे हैं ये एक्सयूवी खड़ी हुई है, ये हमारे सिरोंज के मजदूर भाइयों के गरीबों की गाड़ी के खून पसीने की कमाई है जिस पर भाजपा का लोगो लगा हुआ है। हमें अगर अध्यक्ष हैं भाजपा के भाई, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जो भी हैं, अगर हमें थाना सिरोंज से इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे, यदि वरिष्ठ अधिकारियों से भी न्याय नहीं मिला तो हम इसको माननीय न्यायालय में ले जाकर इन पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए बात है। इनसे हमारा निवेदन है कि हमारे लोगों का जो पैसा लिया है आप इंटरेस्ट मत दो, किसी के 30,000, किसी के 20,000, किसी के 25,000, किसी के 50,000, किसी के 1,00,000, जिसका जो पैसा आप वापस कर दो, आप वापस नहीं करेंगे तो हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई करने की बात। अच्छा जाग क्यों नहीं रहे लोग, कई कंपनी पैसा खा गई फोन के अंदर आती है, खरीद कर चले जाती है, जाग क्यों नहीं रहे, क्या बात? क्या है कि यहाँ पर हमारे सिरोंज में है ना जो है बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी है यहाँ के, क्या है कि जादूगर लोग आते हैं डमरू बजाते हैं, और डमरू बजा कर बताया जाता है कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह था, आज एक्सयूवी से घूम रहा हूँ तो आपको मैं इतने के इतने दूंगा। तो यहाँ इस तरीके से सिरोंज के आज से नहीं कई सालों से छलावा होता आ रहा है, और पहले भी अंजुमनों का आपने सुना होगा देखा होगा कि लोग अंजुमनों के यहाँ के क्या लोग बहुत भोले हैं, बहुत ही शरीफ हैं, बहुत ही सज्जन हैं लोग, है ना, भरोसा कर लेते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई, ये पसीने की कमाई उनको जेबों में दे देते हैं, पूर्व से ऐसा होता आ रहा और आज ये को नया खुलासा आया है। अल्ताफ भाई मैं आपके चैनल के और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप सिरोंज के पहरेदार हैं, आप इस तरीके से पहरेदारी करें और इन लोगों को ठगी लोगों को ऐसे ही इन गरीबों को न्याय दिलवाएं, इन ठगों को सिरोंज से बाहर करें क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर वकील साहब का साफ कहना है कि डमरू बजाते हैं, सिरोंज वालों को बेवकूफ बना के पैसे ले जाते हैं, और एक्सयूवी जैसी कारों से आते हैं और दिखाते हैं आके कि आप ये देखो ये एक्सयूवी हमने इसी में कमाई है या जो भी चीज़ हमने इसी में कमाई है, कल आप भी इस काबिल बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंज बाजुदा के उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता है अगर ऐसे लोग इस तरह से काम करेंगे। तो मैं अल्ताफ़ा न्यूज़ 24 सिरोंज से।